झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी द्वारा करवाई जा रही परीक्षाओं में अनियमितता देखने को मिल रही है। आज झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में एमकॉम फाइनल के पेपर पैकेट में एमएससी के पेपर मिलने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक मोरारका कॉलेज में आज सुबह की पारी में एमएससी के मैथ, जूलॉजी तथा एमकॉम के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर था, लेकिन एमकॉम के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिफाफे में भी एमएससी मैथ्स के पेपर निकले, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को दी गई। वहीं एनएमटी कॉलेज से भी मोरारका कॉलेज प्राचार्य ने पेपर की व्यवस्था की और वहां से पेपर मंगवाकर फोटोकॉपी कर विद्यार्थियों को दी गई। लेकिन इस दौरान विद्यार्थियों के पेपर न मिलने की टेंशन हो गई, तो वहीं कॉलेज प्रबंधन के भी हाथ पैर फूल गए। करीब 25 मिनट बाद परीक्षा को शुरू करवाया गया, जिसके लिए विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय भी दिया गया। इधर प्राचार्य डॉक्टर पी के धायल ने बताया कि इस बारे में सभी सूचना यूनिवर्सिटी को दी गई है। वहीं शिक्षक वेद प्रकाश ने शेखावाटी यूनिवर्सिटी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार परीक्षाओं में अनियमितताएं कर रहा है, जिससे परीक्षाएं मजाक बनकर रह गई। बिना कोई डिस्पैच और हस्ताक्षर के कॉलेजों को आदेश दे दिए जाते हैं, अब उन्हें माने या न माने इस पर संशय बना रहता है। जब यूनिवर्सिटी को किसी प्रकार की शिकायत की जाती है, तो वे इसमें समाधान और ठीक करने की बजाय उल्टा शिक्षकों को धमकाते हैं, जिससे शिक्षकों के सम्मान को भी ठेस पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में कुछ लोग खुद को श्रेष्ठ साबित करने में शिक्षा, शिक्षक और परीक्षाओं को ताक पर रख रहे हैं, जो सही नहीं है। आज प्रातःकालीन जो समय 7 से 8:30 के में एमपीजी के 3 प्रकार के पेपर थे, एक मैथमेटिक्स एमएससी और एमएससी जूलॉजी और एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर। जब पेपर निर्धारित समय पर नियमानुसार खोले गए, तो मैथमेटिक्स के पेपर के पैकेट खोले गए पहले, तो मैथमेटिक्स पेपर निकले। जब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एमकॉम बिजनेस एड का पेपर, जिसके कोड नंबर 5140 है, जब उसको खोला गया, तो उसको खोलने के बाद में अंदर जब पेपर का पैकेट निकला, तो वो निकला मैथमेटिक्स का, जबकि निकलना चाहिए था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एमकॉम का। फिर हमने अच्छे से इधर उधर तलाशी की, कोई पैकेट रह गया हो, कहीं कोई पैकेट नहीं मिला, तो ये देखा कि कहीं टाइम टेबल में यूनिवर्सिटी ने बदलाव किया हो, जिसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त हुई हो, वो भी नहीं निकला। तो हमने तुरंत जो है इसकी जानकारी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को दी और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं। उसके बाद में दोबारा उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको भिजवा रहे हैं, मेल से भिजवा रहे हैं। इस दौरान हमने निकट के महाविद्यालय में नेत्राम मगराज टिबड़े वाले कॉलेज में संपर्क किया, तो वहाँ पर कुछ पेपर हमको मिले, 6 पेपर वहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। उन पेपर को हम लिए ला करके, और बाकी क्योंकि रजिस्टर्ड छात्र की संख्या 12 थी, इसलिए 7 पेपर की हमने जो है फोटोकॉपी की और फोटोकॉपी करवा करके छात्रों को वितरित की। इस दौरान इस कार्य में हमको 25 मिनट का विलंब हुआ और फिर प्रारंभ हुई एग्जामिनेशन, और 25 मिनट विलंब जो हुआ उसका समय बच्चों को अतिरिक्त दिया गया। नमस्ते, मेरा नाम अनुजांगिड़ है। आज मेरा इंटरनेशनल मार्केटिंग का पेपर था, तो हमें आधा 20-25 मिनट लेट मिला, क्योंकि जो एनवलप खोला गया था उसमें मैथ के पेपर थे, तो हमें पेपर कॉपी करवा के दिए गए। फिर इसी दौरान 25 मिनट लगे और हमें फिर एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया। थैंक यू। विश्वविद्यालय के द्वारा रोजाना अनियमितताएँ आती हैं। आज के दिन हमने पेपर खोला, हम वहाँ शामिल थे। उस समय पेपर के अंतर्गत जो कोड था, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर था, उस पर सभी मार्किंग है, चेक किया गया और उसके रजिस्टर से मिलान किया गया, लेकिन जब अंदर खोल रहे तो उसमें मैथ्स के पेपर निकले। विश्वविद्यालय को बताया जाता है तो वो एक डांट की भूमिका में देते हैं, कहते राजनीति करते हो। साथ ही एक नहीं, हजारों अनियमितता विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही है। शिक्षकों के सम्मान को ठेस पहुँचाया जा रहा है, व्यक्तिगत श्रेष्ठता के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। महाविद्यालय के प्रोफेसर्स को कॉपियाँ का बंडल नहीं दिए जाते, प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स को कॉपियाँ दी जाती हैं, किस आधार पर? क्या महाविद्यालय के आरपीएससी से पास किए हुए टीचर हैं वो अयोग्य? इसका निर्धारण नहीं, उनकी कॉपियों के जांच के संबंध में कोई दिशा निर्देश है, 33 नंबर में देना है या 16 में देना है। काट पांट की जा रही है कॉपियों में, छात्रों के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, परीक्षा को एक मजाक बना के रख दिया है। विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पे जो शिक्षक रखे गए हैं, उन्होंने परीक्षा को, परीक्षा की संवेदनशीलता को भंग कर दिया है। इसमें शिक्षक सम्मान पूरा सम्माननीय जो समाज था शिक्षकों का, उनकी गरिमा को ठेस पहुँचा रहा है। सभी भयाक्रांत हैं, उन्हें भांति भांति के बड़े अधिकारियों का नाम लेकर डराया जा रहा है।
प्रिंसिपल्स को फोन करके धमकाया जा रहा है, जाति विशेष की व्यवस्थाएं करके इसको दूषित किया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय के लिए इससे शर्मनाक विषय नहीं हो सकता। ये विश्वविद्यालय की साख, शिक्षक सम्मान का सम्मान और छात्रों के हितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसमें रुकता संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा और शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं के लिए आगे उठाएगा। हमें जहां तक भी जाना होगा हम जाएंगे। ये अन्याय है, ये लोकतंत्र के साथ कुठाराघात है, ये अधिनायक डिक्टेटरशिप की बढ़ती परिवर्तियां हैं, ये विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत श्रेष्ठता साबित करने के लिए शिक्षक और छात्रों के हितों के साथ जबरदस्ती अन्याय किया जा रहा है। इसमें माननीय कुलपति महोदय से हम अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं कि यह शिक्षकों की बनाई हुई आधारशिला, इसको इस सम्मान के पद को आप सुशोभित करें और इस समुदाय को सम्मान असम्मानित होने से बचाएं। हम यही अनुनय विनय प्रार्थना करके दर दर हम जाएंगे और विनय प्रार्थना करेंगे। ताकतवर लोग जो हमारे साथ करेंगे वो हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। परीक्षा के में छात्रों और शिक्षकों दोनों में भ्रम पैदा हो गया है। न किसी का डिस्पेच नंबर है, न उसके संबंध में किसी के हस्ताक्षर हैं। क्या उसे मान लिया जाए या नहीं माना जाए? बच्चों के ग्रुप में हम भेजते हैं सूचना तो कहते हैं सर ये तो न्यूज फेक है। बात भी सही है। जब अथोराइज वैध रूप से परीक्षा नियंत्रक या परीक्षा निदेशक महोदय एक नया पद सृजित किया है जिनका कार्य क्या है? जब वो सिग्नेचर करके हस्ताक्षर करके किसी जिम्मेदारी को संभाल ही नहीं सकते तो बैठे रहने का क्या मतलब है इसका? ये तो कुठाराघात किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। अब उसको बच्चे क्या माने, उस एग्जाम को सही माने गलत माने, शिक्षक उस दिन उस पे एग्जाम को सही माने गलत माने, न हस्ताक्षरित है न डिस्पेच क्रमांक है। अब दूसरी चीज बता दी जाएगी वर्बली, कभी कुछ कह दिया जाता है कभी कुछ कह दिया जाता है, निर्णय लेने की क्षमता उन्होंने खो दी है।